किस न्यूज है भैया? बिहार न्यूज है। बिहार क्या नाम है आपका? हमारा नाम बी के सिंह हुआ। आपका वार्ड कौन सा है? वार्ड 39 39 रेणु राकेश। रेणु राकेश हैं। और उनके द्वारा हम लोग पूरी तरह संतुष्ट हैं। उनके द्वारा चाहे पोल पे जो है बिजली लगाना हो, बल्ब लगाना हो, या ये नाली क्या है, बहुत दिनों से नाली नहीं बन पा रहा था, लेकिन उनके प्रयास से जो है नाली बन गया, इससे हम लोग बहुत ही प्रसन्न हैं। कहा जाए कि जो है इधर के जो मैंने जनता जो है काफी खुश है, पूरे घर वाले जहाँ कचरा भी हमारे इधर आज के डेट में कचरा का भी कोई इशू नहीं है, कचरा गाड़ी आती है, हमेशा गाड़ी जो आती है ले जाती है, इसलिए कचरा निस्तारण में भी, सफाई या स्वच्छता अभियान में भी इनका काफी अच्छा योगदान। मेरा नाम मनोज शर्मा हुआ। वार्ड कौन सा है? वार्ड परिषद रेणु राकेश है। कार्यकाल में तो रोड में बहुत ज़्यादा पानी लगा हुआ था, उसमें वार्ड परिषद अपने तरफ से कुछ रोड़ा ये सब भरवाए, कुछ हम लोग भी मिल के भरवाए, दोनों आदमी मिल करके रोड को हाइट किया गया। ये रोड पर काफ़ी पानी लगा था, ठेहुना से ऊपर पानी था, हमारे माँ बहन जाने में बड़ा कष्ट हो रहा था, तो हम लोग मिलजुल करके भरे और वार्ड परिषद का ही दिन था, 3-4 गाड़ी उसी हाईवे से गिराए और मिलजुल करके हम लोग रोड को। राकेश, आपके यहाँ जो है कार्य आपके वार्ड पार्षद के द्वारा हुआ या नहीं हुआ क्षेत्र? ये काम तो झलक रहा है, दिखाई दे रहा है। कौन कौन सा कार्य जो है आपको लगता है कि उनके द्वारा किया गया है उनके वार्ड? अभी हम लोगों के क्षेत्र में सर सफैया जो है माना हमेशा आइए जाता है, फिर से प्रतिदिन गाड़ी जो है वो गाड़ी आता है और कचरा जो है उठा कर ले जाता है, और बिजली जो हर पोल पर बिजली जो है लगा हुआ है, रात को हम लोगों को महसूस ही नहीं होता है कि रात है, रात में हम लोग गुजर जाते हैं बेली रोड तक ले या घर तक ले चले जाते हैं, तो एक अगर सुई भी गिर जाएगा तो मिल जाएगा, और कभी कभार अगर बिगड़ भी जाती है तो हम लोग राकेश जी को फ़ोन करते हैं तो बनाने वाला आ जाता है, बना देते। हम लोग तो बिल्कुल संतुष्ट हैं, क्योंकि विगत 10 साल संजय सिंह यहाँ के वार्ड कमिश्नर रहे और उनके द्वारा क्षेत्र का जो विकास है बिल्कुल नगण्य रहा, और इनके 5 साल के कार्यकाल में बहुत कुछ दिखाई दे रहा है, जैसे रोड नाला साफ सफाई खास करके और स्ट्रीट लाइट, तो इन सबों को देखने से तो यही लगता है कि बहुत ही अच्छा इनके कार्यकलाप रहा है इस 5 साल के अवधि में। अभी तक जो भी इनके द्वारा किया गया लगभग सभी यूं कहें तो विश्वसनीय है, क्योंकि कचड़े की गाड़ी आना, साफ सफाई, हफ्ते में झाड़ू लग जाना, लाइट वगैरह या फिर कोई भी चीज़ हो, फ़ोन जल्दी रिसीव करना, हर तरह से एक तरह से सही है। हाँ, लेकिन और कुछ है कि जैसे बच्चों का पार्क नहीं है कहीं खेलने का, कहीं कहीं सीवर अच्छा नहीं है, तो वो सब धीरे धीरे तो अब इतना है तो हो ही जाना चाहिए, एक होना चाहिए, लेकिन कार्यकलाप बहुत अच्छा रहा। क्या नाम है? धर्मेंद्र प्रताप सिंह। तेज प्रताप सिंह। या हम लोग दानापुर के 39 नंबर वार्ड में रहते हैं और हमारी वार्ड पार्षद श्रीमती रेणु राकेश जी हैं। हमारे वार्ड में जो हम लोग वार्ड का कंसेप्ट होता था कि वार्ड में सफाई होनी चाहिए, कचरे की गाड़ी आनी चाहिए, पोल पे बिजली जलनी चाहिए, तो ये जो कंसेप्ट था ये हम लोग यहाँ आके जाने की ये चीज़ पूरा हो। इसके पहले हम लोग इस वार्ड में थे तो ऐसा कोई सुविधा हम लोग को उतनी मिल नहीं पा रही थी, लेकिन अभी आज के डेट में प्रत्येक दिन सुबह सुबह एक समय अनुसार कचरे की गाड़ी आती है, हमारे घर के कचरे उसमें हम लोग डाल देते हैं, उसके अलावा कोई भी स्ट्रीट लाइट कभी किसी कारण से बुझ गया तो हम लोग एक फ़ोन करते हैं, वो 24 घंटे के अंदर वो स्ट्रीट लाइट जला दी जाती है। तो हम अपने वार्ड पार्षद का बहुत बड़े आभारी हैं कि उन्होंने इस दिशा में पहल की। ऐसी कई घटनाएँ हैं जब एक फ़ोन कॉल करते हैं तो वो तुरंत मौजूद हो जाते हैं और हमारी प्रत्येक दिन के समस्याओं के साथ वो रूबरू होके उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। तो क्या उसमें भी जो है सुधार हुई है? हाँ, उसमें भी बहुत सुधार हुई है, क्योंकि पहले शाम के बाद लड़की लोग को निकलना मुश्किल हो जाता था, लेकिन अब कोई डर नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा रोशनी और इतना अच्छा यहाँ का वातावरण है कि अब कोई डर नहीं है, आराम से एकदम जब वो हम लोग निकल जाते हैं कहीं भी, बच्चा लोग अब स्कूटी से भी कहीं भी चली जाती है, कोई टेंशन नहीं, पहले बहुत थोड़ा डर था।
है। आगे और आप क्या चाहते हैं कि जो है वार्ड पार्षद और आपके वार्ड में क्या क्या विकास? जल निकासी का विकास तो हो ही गया है, ये सबसे बड़ी समस्या थी हम लोगों के मोहल्ला में। बाकी सब अच्छा ही चल रहा है, आगे जितना भी प्रोग्रेसिव काम हो, लड़की लोग को और थोड़ी सुरक्षा मिले, रेणु राकेश के कार्य से हम लोग संतुष्ट हैं। क्या नाम है आपका? राजनंदन प्रसाद। वार्ड संख्या 39। वार्ड पार्षद श्रीमती रेणु राकेश। अभी तक उनके द्वारा जो भी कार्य किए गए हैं, उसमें जो महत्वपूर्ण जो उन्होंने कार्य किया उसके बारे में? देखिए, महत्वपूर्ण कार्य तो बहुत किए गए हैं एक वार्ड पार्षद के हैसियत से। जैसे रोड की सफाई बहुत है, पहले की अपेक्षा आज जो हम लोग देख रहे हैं कि हर गली में सफाई की व्यवस्था है। दूसरा, स्ट्रीट लाइट कभी हम लोगों ने देखा ही नहीं था, तो स्ट्रीट लाइट हर पोल पर लगा हुआ है, और लाइट लगने से अब रात में अब बहुत सुविधा होती है। एक दूसरा, इस मोहल्ले की सबसे बड़ी समस्या थी जल निकासी की। जल निकासी की समस्या के चलते हम लोग हाफ पैंट पहन करके बेली रोड पर जाया करते थे, लेकिन उस समस्या से हम लोग को निजात मिल चुका है। ये निजात दिलाने वाले मात्र अच्छा, हम लोग एक वार्ड पार्षद को पहले हम लोग समझ ही नहीं पाते थे कि उनकी क्या क्या वो लोग कर सकते हैं, लेकिन इनके बनने के बाद हम लोगों ने जाना एक वार्ड पार्षद एक महत्वपूर्ण एक समझिए कि कड़ी है, जो बहुत काम कर सकते हैं लोग, और उन्होंने करके दिखाया। दूसरा, आए दिन यहाँ पर पोल पर बिजली के लिए या हम लोग को पैसा भी देना पड़ता था और चोरी भी हो जाया करती थी, लेकिन वो सब समस्या से निजात मिल गया है। अब बिजली एकदम समय पर मिल रहा है, मतलब मिस्त्री वगैरह आते हैं और सही ढंग से काम करते हैं। मैं राकेश गोप वार्ड नंबर 39 का पार्षद प्रतिनिधि हूँ। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी तक आपके वार्ड में कितना विकास हुआ है? हमारे क्षेत्र में 80% विकास हुआ है, देख लीजिए अभी हो रहा है, और ऐसा भी 10 योजना पे काम चल रहा है, उसको भी घूम लीजिए। हमारा क्षेत्र काफ़ी पिछड़ा हुआ है, काफ़ी बड़ा है। हमारे यहाँ हर सड़क 15 फीट 20 फीट 30 फीट चौड़ी है। हमारे यहाँ दानापुर नगर परिषद में 40 वार्ड है, सभी को समान योजना मिलता है, किसी को ये नहीं कि बड़ा है तो ज़्यादा। जहाँ 500 आबादी है उसको भी उतना ही मिलेगा जितना 10,000 वाले को मिलेगा। इससे काम करने में परेशानी हो रही है, लेकिन अपने जनता और अपने निजी सहयोग से प्रयास से काम कर संतुष्ट हैं। किस किस तरह का जो परेशानी जो आपको आ रहा है और आप क्या चाहते हैं कि? देखिए, हमारा क्षेत्र नया है, यहाँ की आबादी नया है, बरसात में ये सालों साल डूबा रहता था, आज भी डूबा हुआ है। हमारे यहाँ पंप चल रहा है बड़ा बड़ा नगर प्रशासन के द्वारा, नगर प्रशासन से हम लोग छोटा भी पंप लेकर चलाए, कुछ अपना निजी खर्च पे लेकर चलाते हैं ताकि जनता की परेशानी को दूर किया जाए। अभी आने वाले समय में और आप क्या क्या करना चाहते हैं अपने क्षेत्र में? हमारा ये इच्छा है कि हमारा वार्ड दानापुर का नंबर 1 वार्ड हो, सबसे स्मार्ट और मॉडर्न वार्ड हो। विकास के मामला में जो कुछ रह गया है वो भी पूर्ण हो जाए। आपके द्वारा आपके कार्यकाल में सबसे बेहतरीन काम जो किया गया है वो क्या है आपके? हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा तो हम इसलिए खुश हैं कि हमारे यहाँ लाइट हर पोल पे दिखेगा, आप देख लीजिए, ठीक है ना। दूसरा है, पहले जहाँ नाली था, अभी ये जो सड़क है देख लीजिए, ये 35 साल पुराना गली है, यहाँ का मोहल्ला है 35 साल पुराना, आज तक यहाँ ना नाली निर्माण हुआ ना सड़क हुआ, इसलिए इसको कराया जा रहा है। और भी पूरा मोहल्ला को घूम लीजिए, कालीकेत में बहुत सारे अभी जाकर देख लीजिएगा, इसी सड़कें हैं। हाँ, कुछ सड़क बना हुआ है, कुछ सड़क हम लोग PWD को दे दिए हैं। अब देखिए, पहले साफ सफाई नहीं होता था, कुछ चुनिंदा लोगों के यहाँ ही होता था, लाइट का समस्या है तो कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति के यहाँ लगाया जाता था, पक्षपात किया जाता था, लेकिन आज ऐसी कोई बात नहीं है, ना पक्षपात होता है और काम सबके लिए समान है। हमारे लिए हर जनता एक समान है, सब हमारे लिए देवता स्वरूप हैं और हम हर जनता का एक समान इज्जत करते हैं
और करते रहेंगे। चुनाव को लेकर के आप अपने क्षेत्र की जनता से क्या कह रहे हैं? देखिए, जनता मालिक है, जनता जो निर्णय लेगा वो हमें स्वीकार है। हमारा एक ही लाइन कहना है कि जनता ही सर्वोपरि है। अगर जनता को हम पसंद हैं तो ठीक है, जनता को नहीं पसंद है तो जनता जो निर्णय ले हमारा स्वीकार है।